Hey everyone, my name is Shubh Karmandeep Singh. Today I will share my experience how I got 7 band in listening. आज मैं तुहानू सारयां नू इह दसणा चाहुंदा वी तुसीं किद्दां मेरे वांग 7 बैंड्स लै सकदे हो लिसनिंग दे विच, जो कि मैनू दो तीन स्ट्रैटजीज ने जो कि इंग्लिश मेंटर दे ट्रेनर्स ने मैनू सिखाईयां ने, जिस नाल मैं 15 दिनां दे विच इन्ने 7 बैंड लै सकिया लिसनिंग दे विच। पहली जो स्ट्रैटेजी इन्होंने जो मैंने सिखाई सी वो सीगा भी मैं तीन वारी दिन दे विच एक दवाई वांग लिसनिंग दे टेस्ट नू अटैम्प्ट करना, सवेरे दोपहरे ते शाम नू, वो भी फास्ट स्पीड दे उत्ते, तां कि मैनू प्रैक्टिस करके इन्हां दे एक्सेंट, जिवें कि लिसनिंग दे विच बहुत सारे एक्सेंट्स हुंदे आ, ब्रिटिश हुंदे आ, अमेरिकन हुंदे आ, वो समझ आ सकन। तो इस स्ट्रैटेजी दे नाल मैनू बहुत ज़्यादा हैल्प हुई, मैं वधिया फोकस कर सकन लग्गिया। तो ये मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो भी बढ़ गया, तो जो कुछ भी मैं उस टाइम के उत्ते सुनता सी तां मैनू प्रोपर अंडरसटैंड हुंदा सी। दूजी स्ट्रैटेजी इन्होंने जो मैंने सिखाई सी वो सी भी मैं वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट हो गए, तो किसी भी टाइप की कन्वर्जेशन है जो कि हरेक टाइप के एक्सेंट के मैं सुना, तो कि मैनू बहुत ज़्यादा हैल्प हो। मैं उस टाइम 15 दिन मैं आपका पूरा 100% देता सी, मैं अपने आप को प्रोपर इंग्लिश दे नाल घेर लिया सी, जिद्दां कि मैंने इन्होंने सिखाया गया कि मैं इंग्लिश दे ही सोंग सुनने, इंग्लिश दे ही पॉडकास्ट सुनने, एवरीथिंग आई लिसन वॉज ऑफ इंग्लिश। तो विद दिस स्ट्रैटेजीज मैं इंग्लिश मैटर का धन्यवाद करना चाहना जिन्होंने कि मैंने ये स्ट्रैटेजी सिखा के मैं मेरे डिजायर बैंड स्कोर दवाए ने लिसनिंग के विचों। तो तुम भी अपने डिजायर बैंड स्कोर लै सकते हो यही दो तीन स्ट्रैटेजीज के नाल, जो कि तुहानू बहुत ज़्यादा हैल्प करनी है थोड़ी इंग्लिश और इंग्लिश लिसनिंग के स्किल इंप्रूव करन दे लई। तो मैं थोनू यही कहना चाहूँगा कि जेकर तुम 15 दिनों के लिसनिंग क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो दिस स्ट्रैटेजीज सो दैट यू कैन ऑलसो स्कोर 7 बैंड इन लिसनिंग। थैंक